अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक रजा। मैं हूं मोहम्मद रजा अब्बास विर्क और आप देख रहे हैं टेक रेवोल्यूशन की फर्स्ट एपिसोड। फ्रेंड्स, मसनूई जहानत एआई और इसके मुतअद्दिद फवायद के बारे में इस खसूसी एपिसोड में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी जिंदगियों पर इसके मुस्बत असरात के बारे में बताऊंगा। तो चलें फ्रेंड्स, आज एआई के इस हैरत अंगेज दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं एआई के फवायद के बारे में बात करूं, आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये एआई है क्या। एआई एब्रीविएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसे उर्दू में मसनूई जहानत भी कहते हैं, और सादा अल्फाज में इससे मुराद ज़हीन मशीनों की तरक्की है, जो ऐसे काम अंजाम दे सकती है जिनमें आम तौर पर इंसानी जहानत की ज़रूरत होती है। ये काम पेचीदा मसले को हल करने और फैसला साजी से लेकर कुदरती जुबान की प्रोसेसिंग और पैटर्न की शनाख्त तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसा शोबा जहां एआई इनकलाब ला रहा है वो हेल्थ केयर है। सेहत से मुतल्लिक तिबी आदाद व शुमार जैसे इमेजिंग स्कैन और मरीजों के रिकॉर्ड का तजिया करने के लिए एआई एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे डॉक्टरों को किसी भी मर्ज की पेशगी तशखीस करने का अहल बनाना है, जिसके नतीजे में इलाज के ज़्यादा मौसर मंसूबे अमल में आते हैं। मजीद बरां, ऑपरेशन के दौरान सर्जनों की मदद के लिए एआई से चलने वाले रोबोटिक असिस्टेंट्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जो मरीजों की रिकवरी टाइम को रिड्यूस करने के साथ साथ सर्जिकल प्रोसीशन को भी एनहांस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नकलो हमल की सनत में भी एआई की बदौलत एक अहम तब्दीली का सामना हो रहा है। आला दर्जे के एआई सिस्टम की रहनुमाई में सेल्फ ड्राइविंग कार्स तैयार की जा रही हैं, ताकि इंसानी गलतियों को कम करके हमारी सड़कों को महफूज तर बनाया जा सके। इन खुद मुख्तार गाड़ियों में शहरी नकलो हरकत में इनकलाब लाने, ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने और नकलो हमल के माहौलियाती असरात को कम करने की सलाहियत रखते हैं। मजीद बरा, एआई से चलने वाली लॉजिस्टिक सिस्टम तरसील किए रास्तों को बेहतर बनाने, अखराजात को कम करने और कारकर्दगी में इजाफा करने में मदद फराहम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तालीम का शोबा एआई की ताकत से फ़ायदा उठाने वाला एक और सेक्टर है। एआई एल्गोरिदम के जरिए चलने वाले अडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स की जिंदगियों में इनकलाब बरपा कर रहे हैं। तलबा को ज़ाती रहनुमाई और मदद फराहम करने के लिए एआई से चलने वाले वर्चुअल ट्यूटर्स को भी तैयार किया जा रहा है, जिससे इन्हें बेहतर तालीमी नतायज हासिल करने में मदद मिल रही है। फ्रेंड्स, मालियाती शोबे में एआई सारफीन के तजर्बात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। एआई से चलने वाले चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स ज़ाती नौत का माली मशवरा फराहम करने, कस्टमर के सवालात का जवाब देने और हमवार लेन देन की सहूलत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मजीद ये कि एआई एल्गोरिदम बहुत सारे माली अदाद शुमार का तज्जिया करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सरमायाकारी और रिस्क मैनेजमेंट में तेज़ और ज़्यादा दुरुस्त फैसला साजी को यकीनी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आबो हवा की तब्दीली और माहौलियाती इन्हतात के खिलाफ जंग में भी एआई एक ताकतवर हलीफ साबित हो रहा है। एआई पर मबनी तस्वीरी तज्जिया से लैस सैटेलाइट जंगलात की कटाई की निगरानी और इनका पता लगा सकते हैं, खतरे से दो चार स्पीशीज की निशानदेही भी कर सकते हैं और माहौलियाती निज़ाम में तब्दीलियों का पता भी लगा सकते हैं। ये अदाद शुमार साइंसदानों और पॉलिसी साजों को फैसला करने और हमारे सियारे के कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए बर वक्त इकदाम करने के बारे आगाह कर सकता है। फ्रेंड्स, अगरचा एआई की सलाहियत नाकाबिले तरदीद है, लेकिन इसके इस्तेमाल से मुतल्लिक इखलाकी तहफ़ुज़ात पर तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी है। हमें एआई एल्गोरिदम पर शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाना होगा, तासुब से बचना होगा और लोगों की राजदारी की हिफाजत भी करना होगी। तकनीकी तरक्की और इंसानी फलाह बहबूद के मबैन सही तवाज़ुन बरकरार रखना सबसे अहम है। फ्रेंड्स, मसनूई जहानत हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों को तब्दील करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखती है। सेहत की देखभाल और नकलो हमल से लेकर तालीम और मालियात तक एआई कारकर्दगी को बेहतर बना रही है, फैसला साजी में इजाफा कर रही है। ताहम ये बहुत ज़रूरी है कि हम इखलाकी मजम्मरात पर गौर करते हुए और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि एआई के फवायद को सबके साथ शेयर किया जाए
और इसकी तकनीकी महाज की जिम्मेदारी को भी अच्छे तरीके से नेविगेट करें। AI के फवायद की इस वीडियो में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।